नमस्कार बच्चों। तो जो आज 2024 में जो हमारा BSTC का जो पेपर हुआ है, इस पेपर को हम इंग्लिश के पेपर को हम देखेंगे। मैंने और सभी जितने भी अभिवृत्ति वाले क्वेश्चन थे, रीजनिंग वाले हैं, हिंदी इंग्लिश, मैंने सब वीडियो मैंने बना दिए हैं। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आप आंसर को मिलाएँ और अपने आंसर्स को देख लें। एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपको देखना है और रीड करना है। तो अपने आंसर होगा 151 के अंतर्गत आंसर है अपना नंबर 2। दूसरे नंबर पे है 152 को, 52 नंबर का जो प्रश्न है आप इसको पढ़ लें और इसमें अपना आंसर जो आएगा वो आएगा नंबर डी नंबर पे, ठीक है। 153 पे के अंतर्गत आएंगे, आंसर आएगा अपना सी। 154 प्रश्न नंबर देख लें आप अच्छे से, प्रश्न नंबर को देखिए और फिर इसका आंसर आएगा अपना बी। 155 के अंतर्गत आ जाएं और 155 के अंतर्गत आएगा अपना ए या डी। 156 क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें, रीड करने के बाद फिर देखेंगे किसके जो आंसर होगा अपना कौन सा आएगा, आंसर नंबर बी। 57 पे आ जाएं, 57 के अंतर्गत अपना आंसर है सी। 158 के अंतर्गत एक्टिव सी। फिर है 159 में है अपना आंसर आएगा सम ए। आगे आ जाइए 160 पे, 160 में जो आंसर है अपना, अच्छे से क्वेश्चंस को रीड कर लें और फिर देख लें कि आंसर कौन सा होगा सी। 161 पे आ जाएं, 161 पे जो अपना आएगा आंसर है अपना ए। 162 पे आ जाएं, 162 पे आंसर है ए। 163 के अंतर्गत आंसर है ए। 164 के अंतर्गत आ जाएं, 164 में है सी आंसर। 165 प्रश्न के अंतर्गत आंसर है डी। 166 आंसर आएगा अपना ए। सारे प्रश्न मैंने देखे हैं, बहुत अच्छी तरह से आंसर लगाए हैं। जब उसके बाद में मैं आपको जल्दी जल्दी करवाने का प्रयास कर रही हूँ बच्चों, ठीक है। तो 167 जो अपना आंसर आएगा इसके अंतर्गत सी। इस वक्त बच्चों को आंसर की ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए नहीं। मैंने इनको आपको वीडियोज़ को बहुत अच्छे से समझा भी सकती थी, वीडियो बहुत लंबे हो जाते, इसलिए मैंने सिर्फ आपको आंसर लगाने का प्रयास किया है। 168 के अंतर्गत अपन देखेंगे अपना आंसर आएगा डी। 169 में जो है वो आएगा अपना सी और 170 के अंतर्गत अपना आएगा डी। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते हैं, मैं आंसर वहीं पे आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पैराग्राफ को देखें अच्छे से और ये भी मैंने इंग्लिश की भी बता दी है और आगे आने सारे वीडियोस को मैं आपको धीरे धीरे पार्ट्स में डिवाइडेशन करके मैं आपको आंसर की बता रही हूँ। नमस्कार बच्चों।